अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपके सामने मॉम विद थ्री सिबलिंग के साथ अगेन हाज़िर हूँ। आज आपको हम बताते हैं अपनी सेल्फ आइसोलेशन की कहानी कि हम लोग बेसिकली घर के अंदर अगर बंद हैं तो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अंदर डील कर रहे हैं। और क्योंकि 3 हफ्ते होने वाले हैं तकरीबन, हम लोग बिल्कुल अंदर हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकले। लास्ट वीक तो हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो अभी तो ये है कि उनकी भी ख़त्म हो गई इस वीक, वो भी जा रहे हैं ऑफिस। तो अभी तो मैं बना रही हूँ नाश्ता और अभी देखती हूँ बच्चियाँ क्या करने वाली हैं। ओके, बच्चियाँ जो हैं वो कर रही हैं अपना आर्ट वर्क। इनका एक्चुअली सेल्फ स्कूलिंग, ई लर्निंग स्टार्ट हुई भी है इनकी। स्कूल से होमवर्क डेली के डेली आ जाते हैं, वो ये लोग घर में करते हैं और उसके बाद उसकी पिक्चर्स वगैरह बना के या उसकी वीडियो जो जिस तरीके से टीचर ने कहा होता है वो हम लोग उनकी टीचर की रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेसेस पे या जो उन्होंने मोड रखा हुआ है उस पर हम लोग सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये है कि बच्चे बिल्कुल फारिग नहीं हैं घर में, एटलीस्ट स्कूलिंग उनकी हो रही है। तो अभी इस वक्त इनको मिला हुआ है आर्ट वर्क में, कार्ड बनाना है इन्होंने और वो बच्चियाँ भी बना रही हैं। तो इसके बाद देखते हैं अभी रेहान उधर क्या कर रहा है, क्योंकि रेहान दूसरे कमरे में भी टी वी देख रहा है, क्योंकि मैं फारिग होंगी तो फिर उसको होमवर्क कराऊँगी, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, वो अभी खुद नहीं कर सकता। इनको तो खैर ये आर्ट वर्क ज़रा ईजी था, मैंने कहा बेटा आप अपनी मर्ज़ी से करो जो आपकी समझ में आता है। तो अभी रेहान जो है यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है और वेट कर रहा है नाश्ते का। तो वैसे तो तीनों को मैं खुद ही कराती हूँ होमवर्क, लेकिन चूंकि ये आर्ट वर्क ऐसा था कि ये बच्चियाँ खुद कर सकती हैं और अपनी इमेजिनेशन से इनको करना था, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बेटा आप लोग जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ आप लोग अपना आर्ट वर्क करो, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर जो है उसके बाद इनको जो है वो मैं बाकी काम करवाऊंगी, जो इनका बाकी काम आया हुआ है, जो करवाने वाला है, जो समझने वाला है, जो मैंने करवाना है इनको, जो मतलब बच्चियाँ अभी खुद से नहीं कर सकती। थर्ड टर्म स्टार्ट तो हो चुकी है इनकी, लेकिन ये है कि अब सब कुछ घर में ही हो रहा है। आज मौसम भी ये है कि काफ़ी बेहतर है, हवा चल रही है। इस टाइम तक तो मौसम का ये होता है कि गर्मी आ चुकी होती है, यहाँ पे बाहर निकला नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे अभी तक गर्मी आई ही नहीं है। मौसम इनफैक्ट दोबारा से कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, और इस वजह से ये भी होता है कि एटलीस्ट बच्चे जब शाम के टाइम फारिग होते हैं तो हम उनको बैकशेड पे ले जाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर निकलने का तो बच्चों का यही है, क्योंकि बच्चे इसके अलावा तो आगे पीछे के जा नहीं सकते, बिल्कुल बाहर निकलने से बंद किया हुआ है इनको। तो इस वजह से हम लोग इनको शाम को जो है वो बैकशेड में ले जाते थे। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ता लेके अभी अंदर लेके जाऊंगी बच्चे, क्योंकि चूँकि छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से अंदर ही करते हैं, बाहर नहीं करते। तो बाकी ये है कि सब कुछ ऐसे सच नॉर्मल है, बाकी ग्रॉसरी भी इतनी ख़ास हम लोगों ने करके नहीं रखी, बस नॉर्मल ही जितना होता है वीकली उतना ही लेके रखा हुआ है, क्योंकि वीक के बाद हस्बैंड जो है वो जाते हैं और जाके ले आते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती इतना ज़्यादा। हम लोग तो बाहर खैर निकलते ही नहीं हैं, क्योंकि यू नो बच्चे जो हैं वो फिर की ज़िद करते हैं। तो बहरहाल खैर अब नाश्ता रेडी हो चुका है, अब मैं लेके चलती हूँ इसको अंदर ताकि बच्चे नाश्ता कर सकें। काफ़ी टाइम हो गया है, छुट्टियों की वजह से ज़रा लेट भी उठ रहे हैं, तो आराम से लेट सोते हैं बच्चे, लेट उठते हैं। तो अभी बच्चे जो हैं वो इस वक्त मूवी वॉच कर रहे हैं, तो बस यही इनकी शुगल मिलना होता है, घर में बैठ के मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कुरान पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो बाहर खेलेंगे थोड़ी देर, फिर वापस आएंगे, फिर टीवी देखेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। बस यही रूटीन चलती रहती है इनकी। अभी नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। बाद जो है वो बच्चे नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के फिर कुरान पढ़ेंगे, और कुरान पढ़ने के बाद जो है वो फिर डेफिनेटली अब इनका काम है इसका होमवर्क करने का। तो ये अभी कुरान पढ़ें, क्योंकि घर में ही पढ़ा रही हूँ, अभी भेज नहीं रही हूँ बाहर। तो अभी ये इनका होमवर्क आया हुआ था पीई का, तो उसमें इनकी एक वीडियो टीचर ने जो है वो लिंक भेजा हुआ था, उसमें इन्होंने एक्सरसाइज करनी थी। पीई बेसिकली फिजिकल एजुकेशन है इनकी, तो उसमें ये लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं दोनों, और ये हाँ इनकी एक्सरसाइज चल रही है अभी।
इसका ये है कि अब ये एक्सरसाइज जो ये करेंगी इसकी वीडियो बना के तो वो मुझे भेजनी है इनकी टीचर को, ये इनका पी का काम हो जाएगा। यहाँ पे रेहान जो है वो आज का जो होमवर्क आया है उसकी स्टोरी को सुन रहा है, उसके बाद फिर वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा और वो फिर हम लोग भेजेंगे इसकी। यहाँ पे मानूर जो है वो अपना काम कर रही है साइंस का, इसमें ये कप फून बना रही है और जैसे हम लोग छोटे होते थे तो बनाते थे, क्योंकि आजकल साउंड चल रहा है इनका चैप्टर तो उसी से रिलेटेड जो है वो अभी इन्होंने कप फून बनाना है और उसको देखना है कि वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं, और यहाँ पे वो उसको चेक कर रहे हैं और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उस तरीके से तो नहीं पढ़ सकते जैसे टीचरें पढ़ा रही हैं, इनका उस तरीके से आता भी नहीं है कि जी आपने बुक्स में ये क्वेश्चन करने हैं ये आंसर्स करने हैं, बेसिकली इनका कॉन्सेप्चुअल होता है सारा, तो उस हिसाब से ये कि रिसर्च वर्क करते हैं घर में बच्चे, पहले जो लिंक्स टीचर भेजती हैं रेफरेंस के तौर पे उन लिंक्स को देखेंगी, फिर उससे जो टास्क टीचर्स ने दिया है उस टास्क को उन्होंने कंप्लीट करना होता है, वो कंप्लीट करके अगर रिटन है तो रिटन जो है उसकी पिक्चर बना के जो है हम टीचर्स को भिजवा देते हैं, या अगर ओरल है या उसको करना है तो वो उसकी वीडियो थोड़ी सी बना के तो हम लोग भिजवा देते हैं। अभी दोपहर के टाइम, दोपहर तो खैर नहीं शाम हो चुकी है, 4 बजे के बाद का टाइम है, 4:30 का टाइम है तकरीबन, तो मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब ये कि अभी गर्मी उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुई जैसे जितनी के इस टाइम पे हो जाती होती है, तो लेके बच्चों को बाहर निकले में कि चलो फ्रेश एयर और धूप दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। अब चलो दिन के टाइम तो ये कि थोड़ा लेट उठते हैं बच्चे, नाश्ता वाश्ता करते करते फिर उसके बाद कुरान पढ़ना, फिर उसके बाद होमवर्क करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये शाम का टाइम ऐसा होता है कि जब सूरज काफ़ी डाउन हो चुका होता है तो ये कि बच्चे आराम से बाहर खेल सकते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बैक यार्ड फ्रंट यार्ड दोनों हैं, तो बच्चों के लेके मैं बाहर निकल आती हूँ, वरना तो बिल्कुल अंदर बंद रहना पड़ता तो बंदा पागल हो जाता है यहाँ पे, तो बस यही है अब यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा, बाहर जा नहीं सकते, बच्चे भी तंग पड़ जाते हैं, तो अभी एटलीस्ट यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के भाग दौड़ थोड़ी सी गेम खेली साइकिलिंग कर ली, घर से बाहर नहीं अपने ही घर के हदूद के अंदर, क्योंकि मेल मिलाप तो किसी के साथ है नहीं, ज़्यादा बेटर इस टाइम में यही है कि आप घर के अंदर रहो, ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से अगर अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, और ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है बल्कि ये पूरी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं अल्लाह रहम करे कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो बेटर इज़ दैट कि आप अपने घर में रहें, आप ज़्यादा सेफ़ हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं लोगों से इंट्रैक्शन करते हैं जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इंट्रैक्शन नहीं करना अभी, तो बेटर है कि आप घर में रहें और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ये भी एक इसका एडवांटेज है कि आपको अपने बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने को मिल रहा है, वरना तो मोस्टली यही होता है कि हम लोग अपने बच्चों के साथ टाइम कहाँ इतना स्पेंड कर सकते हैं, सुबह उठते हैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं फिर दोबारा पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो फिर होमवर्क करते हैं या टीवी देखते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं, हमारे साथ तो इतना उनका टाइम गुजरता ही नहीं है, तो एटलीस्ट हमें अभी ये टाइम अगर मिला हुआ है तो हम अपने बच्चों के साथ उसको अच्छे तरीके से स्पेंड करें, एंड ठीक है मुश्किल वक्त है लेकिन ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, सारा वक्त एक जैसा तो रहता नहीं है, अल्लाह रहम करे जल्दी ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, और सबके सब लोग अल्लाह उनको अपने घरों में सेफ रखे और हमें इस मुसीबत से इस वबा से निजात दिलाए, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आज की वीडियो बस यहीं तक, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अपने घर में रहिए सेफ और कोशिश कीजिए बाहर कम से कम निकलिए, बल्कि निकलिए ही नहीं ज़्यादा बेहतर है, इसी से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।